नमस्कार, नेशन मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन यादव। बीते साल कोरेगांव भीमा में 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव पर ब्रिटिश सैनिकों की जीत 220 सालगिरह मनाई जा रही थी। आपको बता दें, जब हिंसा भड़क उठी तो इस मौके पर कई वाहन फूके गए, एक शख्स की जान भी चली गई। आगे उसी का जिक्र हम गहराई से करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। आपको बता दें, दलित नेता ब्रिटिश फौज की जीत का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीतने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी टुकड़ी में ज्यादातर महार समुदाय के लोग थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। साथ ही इसे ही कोरेगांव की लड़ाई भी कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठे पर हमला करने का योजना बना रहे थे। रास्ते में उन्हें 800 सैनिकों से सजी कंपनी फोर्स मिली, जो पुणे में ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए जा रही थी। पेशवा ने कोरेगांव में मौजूद कंपनी फोर्स पर हमला करने के लिए अपने 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसिस स्टोनटन की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस टुकड़ी ने करीब 12 घंटे तक अपनी पोजीशन संभाले रखी और मराठों को कामयाब नहीं होने दिया। बाद में मराठों ने फैसला बदला और अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में ब्रिटिश टुकड़ी वहां पहुंच जाएगी, जिसका मुकाबला आसान नहीं होगा। आपको बता दें, इस टुकड़ी में भारतीय मूल के जो फौजी थे उसमें ज्यादातर महार दलित थे और वो बॉम्बे नेटिव इन्फ्रेंटिटी से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में दलित कार्यकर्ता इस घटना को दलित इतिहास का अहम हिस्सा मानते हैं। जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी किताब ए स्टोरी ऑफ द मराठास में इस लड़ाई का जिक्र भी किया है। आपको बता दें, इसमें लिखा है कि रात भर चलने के बाद नए साल की सुबह 10 बजे भीमा के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 25,000 मराठों को रोके रखा। वो नदी की तरफ मार्च कर रहे और पेशवा के सैनिकों को लगा कि वो पार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के आसपास का हिस्सा कब्जाया, उसे पोस्ट में तब्दील कर दिया। हेनरी ट्री प्रिंसेप की किताब हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ट्रांजैक्शंस इस इंडिया में इस लड़ाई में महार दलित से सजी अंग्रेज टुकड़ी के साहस का जिक्र भी मिलता है। इस किताब में लिखा है कि कप्तान स्टोनटन की अगुवाई में जब ये टुकड़ी पूना जा रही थी तो उस पर हमला होने की आशंका थी। खुली जगह पर फंसने के डर से बचने के लिए इस टुकड़ी ने कोरेगांव में पहुंचकर उसे अपना किला बनाने का फैसला किया। अगर ये टुकड़ी खुले में फंस जाती तो मराठों के हाथों बुरी तरह फंस सकते थे। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों के मुताबिक इस लड़ाई में 834 कंपनी फौजियों में से 275 मारे गए हैं, घायल हुए या फिर लापता हो गए। इनमें 2 अफसर भी शामिल थे। इन्फ्रेंटी के 50 लोग मारे गए और 105 जख्मी हुए। ब्रिटिश अनुमानों के मुताबिक पेशवा के 500 से 600 सैनिकों की इस लड़ाई में मारे जाने या घायल होने की संख्या बताई गई थी। इसमें बताया गया कि ये थी अस्मिता की लड़ाई, जो इतिहासकार महारों और पेशवा फौजों के बीच इस युद्ध को विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शासकों के युद्ध के तौर पर देखते हैं। तथ्यात्मक रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि महारों के लिए अंग्रेजों की नहीं बल्कि अस्मिता की लड़ाई थी। अत्यंजो यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर माने गए अस्पृथ्यों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। इतिहासकारों ने कई जगह पर ब्यौरे दिए। नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था, ताकि उनके प्रदूषित और अपवित्र पैरों के निशान उनके पीछे घिसटने के इस झाड़ू से मिटते चले जाएं। और साथ ही उन्हें अपने गले में एक बर्तन भी लटकाना होता था, ताकि वो उसमें थूक सकें और उनके थूक से कोई सर्वण प्रदूषण और अपवित्र ना हो जाए। वो सर्वणों के कुएं या पोखर से पानी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मराठा नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ थी ये लड़ाई। इतिहासकार और आलोचक प्रोफेसर ऋषिकेश
कांबेल कोरेगांव भीमा के दूसरे पक्ष को भी बताते हैं। उनका दावा है कि महारोह ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलित पर थोप दिया था और वो इससे नाराज थे। जब महारो ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से ब्रिटिश फौज से मिल गए थे। आपको बता दें, ब्रिटिश फौज ने महारो को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी दी। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी। महारो ने उन्हें हराया। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। कांबले कहते हैं कि महारो और मराठों के खिलाफ किसी तरह की मतभेद या झगड़ा तो नहीं था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई कभी होती ही नहीं। वो कहते हैं कि मराठों का नाम इसमें इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे, इसलिए ब्रितानी फौजों ने महारो को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। इस तरह की अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे साथ नेशन मिरर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।